ऐसी पंतनगर के हमारे मशरूम ट्रेनिंग के दौरान पंतनगर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम जो मशरूम के बारे में ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अभी तक हमने कंपोस्ट बनाना और कंपोस्ट बनाने के बाद में जो टनल है वो टनल में कंपोस्ट को किस तरह से प्रोसेस करते हैं उसके बारे में जाना। अब हम आगे चल रहे हैं जिसमें कि हमें लो कॉस्ट मशरूम क्रॉप के बारे में हम आगे की जानकारी लेंगे। इसमें एक हट बनाया जाता है जिस हट में इस मशरूम के प्रोडक्शन के लायक की परिस्थितियां बनाई जाती हैं, और ये आप जैसा देख रहे हैं ये एक हट है और इस हट में लो कॉस्ट मशरूम क्रॉप के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसकी कॉस्टिंग बताई जाएगी कि इसकी कॉस्टिंग क्या है और हमें किस तरह से अपने मशरूम की कॉस्ट को कम से कम करके अधिक से अधिक हम पैसा कमा सकते हैं। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, आपको लो कॉस्ट मशरूम क्रॉप के बारे में जानकारी देते हैं। यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि अंदर नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अंदर जाने की हमको परमिशन नहीं है क्योंकि इससे जो है यहाँ पे जर्म्स और दूसरी चीज़ों को जाने का खतरा है, और जिससे कि इन जो मशरूम के बैग्स बने हुए हैं, मशरूम को उगाया जा चुका है उसमें किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन ना आने पाए, किसी प्रकार की कोई जर्म्स ना जाने पाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस हट में एक रैक, तीन रैक बनाए गए हैं और जिसकी की फ्लोरिंग जो है वो ईंटों की बनी हुई है। इन ईंटों की फ्लोरिंग के ऊपर 6 इंच के ऊपर जो सबसे निचला वाला हमारा बांस का जो रैक है, हमारे तीन बांस के रैक हैं और उसमें जो फ्लोरिंग है जो ईंट की बनी हुई है उसके ऊपर 6 इंचेस की हाइट है, और उसके बाद 2.5 फीट की हाइट है और अगेन 2.5 फीट की हाइट है, और फिर टोटल 5 फीट की हाइट में ये तीन रैक बांस के बनाए जा चुके हैं जो कि लो कॉस्ट के अंतर्गत है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फवारे के लिए एक मशीन भी बनाई गई है, हैंड वाली है, जिसको कि हम पैर को पंप करके इसमें मशरूम के लिए जो आवश्यक ह्यूमिडिटी है उसको मेंटेन करते हैं। वो पिंक पे फोकस करो, और पिंक मशरूम ये देखिए यहाँ पे एक पिंक मशरूम आप देख रहे हैं, एक पिंक कलर के मशरूम है जो कि उग आए हैं और ये धीरे धीरे जो है अपने बैग से बाहर आ रहे हैं। ये 20-22 दिन की अवधि के बाद ये अपना रूप लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये डिफरेंट बैग जो है उनको एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, और ये आप देख रहे हैं कि ये मशरूम भी जो है अपने बैग से बाहर आ चुके हैं और हमने जो प्लास्टिक की पन्नियाँ हैं उनसे इनको हटा दिया है, और जो अंदर का ओरिजिनल बैग है, जो ओरिजिनल बैग है हमारा, हमने उसके अंदर जो है हम आपको भी दिखा रहे हैं लगातार हमारे ये बैग के अंदर जो है ये डिफरेंट प्लास्टिक की पन्नियों से हमने इनको निकाल दिया है, और निकालने के बाद में एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर हमने इनको रखा हुआ है, और कुछ दिनों बाद इसके भीतर जो मशरूम के स्पॉन हैं उनसे मशरूम बाहर आएंगे और हमें मशरूम को उगाने में और मशरूम के उगाने के बाद उसके प्रोसेस बाहर दौड़ के सेल आउट करने के लिए हमारे मशरूम 20 दिन बाद तैयार होंगे। अभी वो अपने प्रारंभिक अवस्था में हैं, कुछ में मशरूम लग चुके हैं और मशरूम अपने बैग से बाहर आ रहे हैं, और ये हमारे रैक हैं, ये हमारे बाम्बू रैक हैं, ये हमारी हट है। इस हट में आप देख रहे हैं ऊपर जो है घास फूस लगाई गई है, घास से इसको ढका गया है, घास से इसको बनाया गया है, और इसमें सारे बैम्बू का प्रयोग किया गया है, और इन बैम्बू में एक रैक है जिसकी की लंबाई करीब 20 फीट है, और इस 20 फीट के उसमें तीन रैक हैं 2.5 फुट के अंतर के ऊपर, और टोटल हाइट इनकी जो है वो 5 फुट है, और 5 फुट में तीन लगाए गए हैं। इसमें करीब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें करीब इसमें 500 पॉलीथीन के बैग से जो मशरूम के प्रोडक्ट हैं वो बाहर आ चुके हैं, और इसमें इनके मशरूमों के उत्पादन के लिए एक आइडियल कंडीशन जो है वो कम से कम लागत में हम इस हट को बना के हम इसको तैयार करके इसमें मशरूम उगा सकते हैं, जिससे कि हमारे गरीब किसान भाई कम से कम कीमत में अधिक से अधिक मशरूम की पैदावार करके धन लाभ कमा सकते हैं और अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं। वीडियोग्राफर शैलेंद्र पटवाल के साथ मैं महेश चंद्र कुकरेती पंतनगर यूनिवर्सिटी के मशरूम ट्रेनिंग के दौरान आपको ये जानकारी दे रहा हूँ।
अब हमने अभी तक हमने जो देखा वो मशरूम के कंपोस्ट बनाने के बारे में, मशरूम को प्रोसेस करने के लिए टनल के बारे में, और मशरूम का जो कंपोस्ट जब तैयार हो गया तो उसके बाद उसको कम से कम लो कॉस्ट में उसको हट बनाकर हट में किस तरह से उसको उगाया जाना है ये सब देखा। और अब हम इसके आगे जो मशरूम की पूरी जानकारी है इसके आगे के प्रोसेस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, आपको लिए चलते हैं मशरूम के अगले स्टेप के में।